नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में देखिए तमाम पार्टियां जो हैं वो अपना वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। कुढ़न्नी की बात हो रही है, जहां पर चौतरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी, महागठबंधन, वीआईपी और एआईएमआईएम, यानी कि चारों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब देखना होगा जीत किसकी होती है। हालांकि देखिए, वीआईपी और बीजेपी जो है वो आमने सामने आ गई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब दोनों का बयान सुने, क्या कुछ कह रहे हैं दोनों पार्टियों के नेता। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में बिहार में बीजेपी का बिहार प्रदेश में कोई फैक्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा को दिखा के अपना जो है मार्केटिंग कर रही थी। अब तो वो भी खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा ही नेता नहीं है कि जिसका बोलबाला हो, क्योंकि बीजेपी ने तो आज तक कभी काम की नहीं। अब रही सुरेश शर्मा जी, अब सुरेश शर्मा जी को मुजफ्फरपुर में जदयू के लिए सुरेश शर्मा जी काम कर रहे हैं। सुरेश शर्मा जी जो है एक अति पिछड़ा का बेटा, एक स्वर्ण समाज का किसी को विधायक बनते हुए देखना चाहता है तो वो भी किसी को पच नहीं रहा है। पूरे नॉर्थ बिहार में आप सुरेश शर्मा जी से पूछिए और भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि क्या एक भी ब्रह्मर्षि विधायक है, आपको एक भी नहीं मिलेगा। अगर एक विधायक अगर बन रहा है, हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी अगर एक स्वर्ण समाज का किसी को सपोर्ट करके बिहार विधानसभा में भेजना चाहती है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। तो बीजेपी आज के दिन में बुरी तरह हार रही है। बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। भारत वीआईपी पार्टी का जीत सुनिश्चित है। मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा को धोखा दे करके अपने हित के लिए अनाप शनाप बक रहे हैं, और जब निषाद समाज जब निषाद को वोट देने की तैयारी में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ है, तो मुकेश सहनी जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में वो अनाप शनाप बक रहे हैं। मुकेश सहनी जी बम्बैया कलाकार हैं और यहाँ भी कलाकारी करके अति पिछड़ा समाज को ठगने का काम करने के लिए वो बेचैन हैं, लेकिन अति पिछड़ा समाज अब समझ चुका है ये कलाकार हैं और अपने परिवार के लिए काम करते हैं, इसलिए वो बेचैनी में भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेताओं के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। इसलिए मुकेश सहनी का नोटिस लेने का जरूरत नहीं है, ये पैसा कमाने वाले ठगेरा लोग हैं। तो आपने देखा किस तरीके से वीआईपी के जो नेता हैं वो साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भूमिहार समाज के कोई विधायक नहीं बचे हैं बीजेपी के पास, और ऐसे में अगर हमारे उम्मीदवार जीतते हैं तो उन्हें परेशानी हो रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के हैं अरविंद सिंह, जिन्होंने साफ कह दिया है कि जाति की राजनीति करते हैं मुकेश सहनी, और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं मुकेश सहनी पे, आपने तमाम बातें सुनी। अब देखना होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप के बाद विगत जीत किसकी होती है, क्योंकि 5 दिसंबर को चुनाव होना है और ऐसे में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके नेता हैं वो कुढ़न्नी जा रहे हैं, और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं, और अब देखना होगा कि सीट पर जीत किसकी होती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।